तो देखिए बच्चों, ये आपका मॉलिक्यूल्स जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करती है, ड्यू टू विच दे अप्लाई परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द, आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड हैंस अप्लाइज प्रेशर, एंड हैंस अप्लाइज प्रेशर। तो इस तरीके से वो प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया भाई। अब होगा क्या कि जब ये प्रेशर अप्लाई कर ही रहा है तो कितना प्रेशर अप्लाई करता है ये हमें निकालना है। जब फ्लूइड रेस्ट पे है तो अगर हम एच हाइट नीचे चले जाएं, अगर तो एच हाइट नीचे वो कितना प्रेशर अप्लाई करता होगा ये हमें देखना है बच्चों, है ना। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कोई भी बॉडी, जैसे मान लीजिए कि एक ये ऐसे डिस्क है बच्चों, और ये डिस्क ऐसे हवा में रखी हुई है, मतलब आपने जमीन पर रख दी है, तो इसके साथ कौन से पार्टिकल्स कांटेक्ट में है बच्चों? एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स। तो ये एयर पार्टिकल्स भी रैंडमली मूव करते करते इससे टकरा रहे होंगे, ये एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स अगर एटमोसफियर में रखा हुआ है, तो इसका मतलब एटमोसफियर जो है, एयर पार्टिकल्स जो है वो भी इस पे प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे एटमोसफियर का भी प्रेशर है। तो ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है इसको बोलते हैं बच्चों पी नॉट, है ना। हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। पी नॉट का मतलब एटमॉस्फेयरिक प्रेशर, जो हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल की वजह से प्रेशर अप्लाई कर हो रहा है, उसको आप बोलोगे एटमॉस्फेयरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेयरिक प्रेशर कितना होता है पी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसकी क्या वैल्यू होती है ये हम बाद में निकालेंगे कि इसकी क्या वैल्यू होती है, लेकिन अभी आप याद रख लो, है ना, कहीं यूज में आएगा तो याद रखेंगे। ये 1 ATM के बराबर होता है, और मैंने आपको पिछली क्लास में 1 ATM बताया था कितना पास्कल, 1.013 × 10^5, उसको अप्रोक्सीमेटली 10^5 बोल देते हैं, लेकिन 1 ATM का मतलब इतने पास्कल, मतलब ये एटमोसफियर का प्रेशर है बच्चों, है ना। तो इट इज ह्यूज प्रेशर ऑफ एटमोसफियर। ये निकालेंगे हम, कैसे आता है ये भी हम देखेंगे, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की थी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम टॉरिसली था, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, वहां से निकला था, लेकिन वो बाद में, अपन पहले हमें यहाँ पे प्रेशर निकालना। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि कोई बॉडी अगर एयर के कॉन्टेक्ट में है, एयर के कॉन्टेक्ट में है, तो वो एटमोस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करता है, और एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना अप्लाई करता है तो ये उसकी वैल्यू है। तो ये बात आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड का जो सरफेस है बच्चों वो एयर के कॉन्टेक्ट में, मतलब एयर पार्टिकल भी इस लिक्विड की सरफेस पे, टॉप सरफेस पे जो सरफेस आपको दिखती है वहां पर प्रेशर लग रहा होता है एटमॉस्फेयर की वजह से, उसको हम पी नॉट बोलेंगे, है ना। अब अगर आप सरफेस पे हो तो पी नॉट प्रेशर लग रहा है जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है, लेकिन अगर आप हाइट में नीचे चले गए तो अब ये एयर पार्टिकल्स की बजाय लिक्विड के पार्टिकल्स भी तो प्रेशर लगाएंगे ना, तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। अब कितना प्रेशर इंक्रीज होगा वो हमें निकालना है। तो एच, अगर हम हाइट पानी में सरफेस से नीचे चले जाए, लेवल से नीचे चले जाए, तो आपको ये देखना है कि कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है ना, तो वो हमें निकालना है, उसी को हम बोल रहे हैं प्रेशर इन लिक्विड्स एट रेस्ट। तो जब लिक्विड रेस्ट पर रहेगा तो एच हाइट नीचे जाने पर सरफेस से कितना प्रेशर इंक्रीज होता है या कितना प्रेशर लगेगा किसी बॉडी पर वो हमें निकालना है। तो वो हम बच्चों यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो हमें यहाँ पे करना चाहिए, तो अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो बच्चों, अब हम प्रेशर निकालते हैं कि एच हाइट पे क्या प्रेशर होगा, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने फ्लूइड भरा हुआ है, इस तरीके से फ्लूइड भर दिया मान लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर निकालने के लिए एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन माननी पड़ेगी। वो क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल पे क्योंकि एयर कॉन्टेक्ट में है तो हम बोलेंगे यहाँ का प्रेशर पी नॉट है। अगर टॉप का पॉइंट आपने ए पॉइंट माना है तो ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो पी नॉट है, ये हमने मान लिया। फिर आप मान लीजिए कि एच हाइट नीचे गए, एच हाइट नीचे गए, और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो आपको एच हाइट नीचे पॉइंट बी पर प्रेशर बताना है कि इस लिक्विड का प्रेशर एच हाइट नीचे, सरफेस से एच हाइट नीचे बी पॉइंट पर कितना प्रेशर है। तो पीवी हमें निकालना है, पीवी हमें निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसा सोचो कि हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है, और यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर मान रहे हो, आप पानी का ही सिलेंडर मान रहे हो, जिस पानी में आप निकाल रहे हो, लिक्विड में निकाल रहे हो, प्रेशर डिफरेंस ए और बी के बीच में, उसी में आपने एक एच हाइट का सिलेंडर मान लिया, सिलेंडर मान लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है,
और ये वाला ऊपर वाला पॉइंट ए अलग है ना बच्चों। तो आपने क्या किया कि एक सिलेंड्रिकल हाइपोथेटिकल सिलेंडर मान लिया, ये सिलेंडर भी पानी का ही बना हुआ है। आप ऐसे एज्यूम करो कि जो पानी की सरफेस है उसमें कुछ एरिया ए क्रॉस सेक्शन एरिया का एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, पानी का ही सिलेंडर है, हाइपोथेटिकल है। अब अगर पानी रुका हुआ है तो ये सिलेंडर भी रेस्ट पर है बच्चों, ये सिलेंडर भी रेस्ट पर है। अगर पानी रुका हुआ है, लिक्विड इज एट रेस्ट, तो ये पानी का बना हुआ सिलेंडर भी तो रेस्ट पर है। अब ये सिलेंडर अगर रेस्ट पर है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पानी रूपी सिलेंडर है अगर वो रेस्ट पर है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। मैं इस सिलेंडर को थोड़ा सा बाहर बना के बताता हूं क्योंकि वहां पे अगर बनाऊंगा तो फिर गड़बड़ होगी, डायग्राम समझ में नहीं आएगा। तो ये आप पानी रूपी सिलेंडर जो है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है बच्चों, ये ऊपर वाला पॉइंट ए है, नीचे वाला पॉइंट बी है। अब आप खुद सोचो ऊपर वाले पर कौन फोर्स लगा रहा है, एटमोसफियर, क्योंकि एटमोसफियर प्रेशर लगा रहा है ना, प्रेशर। तो ऊपर से इसकी सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों, प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक। तो नीचे की तरफ इस सिलेंडर पे फोर्स लग रहा है आपका कितना बच्चों, पी नॉट इनटू एरिया, पी नॉट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और नीचे से क्योंकि ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, मतलब ये हाइपोथेटिकल जो वाटर माना लिक्विड माना है उसको छोड़कर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, क्योंकि ये लगातार टकरा रहा है ना, ऊपर की तरफ इसको प्रेशर दे रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। तो मान लीजिए कि बी पॉइंट पे जो ऊपर की तरफ प्रेशर है, जो ऊपर की डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है वो पी बी है, तो कितने एरिया में लग रहा है, इसी ए एरिया में। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है बाकी बचे हुए लिक्विड के कारण सिलेंडर को छोड़कर, वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर उसका प्रेशर पी बी है तो पी बी इंटू ए, तो पी नॉट इंटू ए इक्वल्स टू मतलब ये पी बी इंटू ए। अच्छा यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है भाई, ग्रेविटी का फोर्स, उसको थोड़ी ना भूल जाओगे आप, ग्रेविटी का फोर्स भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर एक और फोर्स है जो इस सिलेंडर का मास m होगा, जो भी मास m है उसके कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, नीचे mg। अच्छा मास अगर आपको पता है, मतलब अगर इसकी डेंसिटी रो पता है, लिक्विड की डेंसिटी, तो आप जानते हो डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो लोअर क्लासेस में पढ़ा है आपने। तो मास को क्या लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मास पे बात नहीं होगी, हमें वॉल्यूम पता होता है और डेंसिटी पता होती है, इसलिए सारी चीजें हमें डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना आना चाहिए। तो मास को आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, याद रखेंगे मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे mg को नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको लिखा जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, रो वी जी। और वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का, तो वॉल्यूम है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, इसकी हाइट एच है ना, एच हाइट नीचे हम देख रहे थे, तो एरिया इंटू हाइट। तो आप इसको लिख सकते हो रो इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी, रो ए एच जी। तो ये आपका नीचे की तरफ जो एम जी फोर्स है उसको रो ए एच जी लिखा जा सकता है। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेंडर पानी में ही रेस्ट पर है, इसका मतलब जो नेट फोर्स नीचे है वही नेट फोर्स ऊपर के बराबर होगा, नेट फोर्स जीरो होगा ना, रेस्ट पर है तो बच्चों नेट फोर्स जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम में है ना ये सिलेंडर, पानी रूपी सिलेंडर, क्योंकि लिक्विड जो है वो रेस्ट पर है तो सिलेंडर भी रेस्ट पर है। तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, तो चलिए वो लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे अंडर इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं कि जो ऊपर के फोर्सेज हैं, नेट फोर्स जीरो है, तो जो ऊपर के फोर्सेज हैं वो किसको बैलेंस करेंगे, नीचे के फोर्सेज को। तो ऊपर का फोर्स कौन है बच्चों, पी बी इंटू ए, और नीचे के फोर्स क्या है, पी नॉट इंटू ए, और नीचे की तरफ है एम जी, जिसको हम रो ए एच जी लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो पी बी एट ए जो है, जो ऊपर की तरफ फोर्स है वो नीचे की तरफ वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, दैट इज एम जी प्लस रो पी नॉट इंटू एरिया। अब बच्चों यहाँ पे एम जी की वैल्यू को जो हमने मॉडिफाई करके लिखा है डेंसिटी और हाइट और एरिया के टर्म्स में, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो पी बी इंटू ए इज इक्वल्स टू एम, एम की वैल्यू रो ए एच लिखी जा सकती है, इंटू जी प्लस पी नॉट इंटू ए। तो यहां से ए और ए कैंसल, यहां से ए कैंसल, देखो ए कॉमन आएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करोगे कि पी बी जो होगा बच्चों उसको हम लिखेंगे रो एच जी प्लस पी नॉट। तो दिस इज द प्रेशर,
एट पॉइंट बी या एच हाइट नीचे जो प्रेशर है वो कितना है बच्चों, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, याद रखेंगे इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब एब्सोल्युटली आपने क्या प्रेशर की वैल्यू है वो निकाल ली। तो अगर सरफेस पे पी नॉट प्रेशर था तो एच हाइट नीचे जो प्रेशर है वो बढ़ गया, देखो बच्चों इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया, रो एच जी। अच्छा पी नॉट एयर के कारण था, अगर मैं केवल बोलूं कि इस लिक्विड के कारण कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है, केवल लिक्विड कॉलम के कारण, केवल लिक्विड के कारण, तो वो इंक्रीज हुआ है केवल रो एच जी। यानी कि अगर हम प्रेशर डिफरेंस देखें पी बी माइनस पी नॉट, दिस इज डेल्टा पी, प्रेशर डिफरेंस जो एच हाइट के नीचे जाने पे आया है वो आया है रो एच जी। तो बच्चों ये जो प्रेशर डिफरेंस है जो लिक्विड कॉलम की वजह से आया है केवल एयर के प्रेशर को माइनस करने के बाद, तो जो ये प्रेशर डिफरेंस निकाला जाता है इसको बोला जाता है गेज प्रेशर, है ना, इसको बोला जाता है गेज प्रेशर, याद रखेंगे। तो कभी कभी आपसे गेज प्रेशर अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना प्रेशर डिफरेंस बताना है, और जब एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रेशर बताना है। इस बात इन बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है बच्चों ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे PV जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है और डेल्टा पी जो है उसको गेज प्रेशर बोला जाता है ना, प्रेशर डिफरेंस मतलब केवल लिक्विड के कारण जो प्रेशर है एच हाइट नीचे जो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, वो रो एच जी के बराबर होता है। तो हमेशा याद रखें जो इंक्रीज इन प्रेशर है लिक्विड में एच हाइट पर वो हमेशा होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई हाइट टू विच वी हैव टू फाइंड प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना बच्चों। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एच हाइट जाने पे कितना प्रेशर में इंक्रीज आता है, रो एच जी, इसको भूलना नहीं है, है ना, क्योंकि आगे हर चीज में एप्लीकेशन में जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें यूज होने वाला है, है ना। तो आई होप आपको ये जो फॉर्मूला है बच्चों डेरिवेशन है वो क्लियर होगा। तो देखो बच्चों एक छोटा सा मैं यहाँ पे सवाल भी ले लेता हूँ साथ ही में। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि ऐसी वेसल है, एक वेसल पे ऐसे लिक्विड फिल है ना बच्चों। अब इस वेसल पे ये बोला गया कि टॉप से एक्स हाइट नीचे, मतलब एक्स डेप्थ पर एक पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं ए, और फिर ए से एच हाइट नीचे एक दूसरा पॉइंट है बी। तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये बताना है कि ये जो है आपका पहला क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि क्योंकि बी ज्यादा नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ऑफ बी जो है वो बड़ा होगा ए से, तो आपको प्रेशर डिफरेंस पूछा है बी और ए में। तो पी वी माइनस पी ए, यानी ये डेल्टा पी की वैल्यू बतानी है, बी पॉइंट पर प्रेशर माइनस ए पॉइंट का प्रेशर, ये आपको बताना है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बोला गया कि x प्लस एच हाइट नीचे अगर b है, या फिर आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे मैं बोलूं तो यहाँ पे दो पॉइंट्स और हैं, एक पॉइंट है बच्चों c और दूसरा पॉइंट है d। अब ये जो पॉइंट है ये सरफेस से, ये सरफेस से जो c वाला पॉइंट है वो सरफेस से h1 हाइट पर है, तो d वाला पॉइंट भी सरफेस से h1 हाइट पे है, मतलब c और d पॉइंट जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर पॉइंट्स हैं, क्योंकि दोनों की हाइट जो है सरफेस से वो एच वन है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि सेकंड सवाल में कि फिर से आप प्रेशर डिफरेंस बताओ पी सी माइनस पी डी का, सी और डी पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस। अब देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। हमें पता है ऊपर टॉप में एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो अगर हमें प्रेशर ऑफ ए लिखना है, जैसे फर्स्ट सवाल के लिए हम लिखें तो प्रेशर ऑफ ए लिखना है, तो पी नॉट से कितना बढ़ जाता है एक्स हाइट नीचे आए हम, तो पी नॉट में बढ़ जाएगा रो जी एक्स। और वैसे ही अगर हम बी पॉइंट का निकालना चाहें तो बी पॉइंट का प्रेशर निकाल सकते हैं, ऊपर जो है एयर का एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है पी नॉट, नीचे कितने हाइट आ गए हम सरफेस से एक्स प्लस एच, तो कितना प्रेशर और बढ़ जाएगा लिक्विड की वजह से रो जी एक्स प्लस एच। अब आपको डिफरेंस निकालना है तो पी बी माइनस पी ए निकालो भाई, तो पी बी माइनस पी ए क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट प्लस रो जी एक्स, अच्छा इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो रो जी एक्स प्लस रो जी एच आएगा बच्चों, है ना, माइनस पी ए, पी ए की वैल्यू है पी नॉट, फिर से माइनस आ जाएगा माइनस के साइन के कारण, तो यहाँ पे रो जी एक्स हो जाएगा, तो रो जी एक्स पी नॉट कैंसिल। तो देखो बच्चों पी बी माइनस पी ए कितना आया,
ये अभी भी रो जी एच ही आया है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप एच हाइट सरफेस से आओगे तो ही प्रेशर रो जी एच बढ़ेगा। आप लिक्विड के किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे जाओगे, अगर एच हाइट नीचे जा रहे हो, वर्टिकल हाइट, एच वर्टिकल हाइट अगर नीचे जा रहे हो, तो आपका जो प्रेशर होगा वो रो जी एच ही होगा। तो ये ऐसा मत समझना कि सिर्फ सरफेस से हम लेते हैं। एच हाइट किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की वर्टिकल हाइट है लिक्विड में, वो दो पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं। अगर वो वर्टिकल हाइट अगर आप दो पॉइंट्स जाओगे तो हमेशा जो आपका जो होगा बच्चों प्रेशर जो बढ़ेगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एच हाइट पे, वो रो जी एच होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। वहीं पे अगर आप पीसी माइनस पीडी करें तो सेकंड क्वेश्चन में अगर आप पीसी निकालें, क्योंकि सी वाला पॉइंट सरफेस से एच हाइट नीचे है, तो इसका होगा पी नॉट प्लस रो जी एच वन, एच वन हाइट पे है ना। वैसे डी वाला पॉइंट भी सरफेस से कितनी हाइट पर है भाई, पी नॉट प्लस रो जी एच वन, तो दोनों का प्रेशर तो सेम है भाई। तो पीसी माइनस पीडी करोगे तो जीरो आएगा आंसर। यानी कि आपको एक बात और अच्छे समझनी चाहिए कि अगर लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सेम हॉरिजॉन्टल मतलब सेम हाइट के नीचे है सरफेस से, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो हमेशा प्रेशर सेम होता है और प्रेशर डिफरेंस जीरो होता है। हमेशा प्रेशर सेम होता है बच्चों और प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है। ये बात अच्छे से याद रखना है। यानी कि अगर मैं आपको दूसरा अगर ये क्वेश्चन पूछता, अब आप उसका आंसर कर सकते थे। देखिए अगर मैं आपसे बच्चों ये क्वेश्चन पूछूं, इसी की जगह एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये आपका फ्लूइड है, लिक्विड सरफेस है इस तरीके से ऐसे, और मैं आपसे बोलूं कि यहां पर बच्चों एक ए पॉइंट है, लेट सपोज ये ए पॉइंट है, और यहां से ऐसे आप इंक्लाइंड चले जाओ, इंक्लाइंड ऐसे इंक्लाइंड चले जाओ, तो 10 मीटर की हाइट में इंक्लाइन चलेगा, और यहाँ पे एक बी पॉइंट है, और ये बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लाइंड आप गए हो ये एंगल 53 डिग्री है, 53 डिग्री। तो आपसे बोला गया कि भाई बताओ प्रेशर ऑफ बी माइनस प्रेशर ऑफ ए कितना होगा। तो देखो अब आप निकाल सकते हो बच्चों, पहले तो आप देखो कि इंक्लाइंड हाइट का तो मुझे आइडिया नहीं है, मतलब मैंने कुछ पढ़ा नहीं ऐसा, तो मैं क्या करूंगा कि पहले बी के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे चले जाऊंगा एक सी पॉइंट पे बच्चों, और सी पॉइंट से वर्टिकल हाइट पे चला जाऊंगा ए से सी, वर्टिकल हाइट ये एच, तो ये आप ए से सी चले जाओगे एच हाइट पर। अब मुझे ये पता है कि प्रेशर ऑफ, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सॉल्यूशन में हम करेंगे, तो मैंने अभी सीखा है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो बी पॉइंट और सी पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो पी बी इज इक्वल टू पी सी। इसका मतलब अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है कि पी बी माइनस पी ए बताओ, तो इसका मतलब मैं ये निकाल दूं कि PC माइनस PA कितना होगा, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि C और B का प्रेशर तो सेम है भाई, और A से C जो है वर्टिकली H हाइट पर है, तो ये H कितना है ये आप निकाल सकते हो, ये हाइपोटेनस है, तो आप साइन 53 लगाओ, तो H अपॉन 10, तो 10 साइन 53 आएगा, तो H की वैल्यू 10 साइन 53 है, और साइन 53 की वैल्यू होती है कितनी बच्चों, 4/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 4 ये हो जाएगा 8, तो 8 मीटर हाइट है, यानी सी का प्रेशर 8 मीटर हाइट नीचे कितना होगा वो हम लिख सकते हैं। तो प्रेशर एट सी लिखा जा सकता है, पी बी माइनस पी ए लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों पी ए, तो पी सी को लिखा जाएगा सरफेस का प्रेशर पी नॉट प्लस कितनी हाइट है एच, तो कितना प्रेशर बढ़ चुका होगा रो जी एच, लेकिन एच की वैल्यू है बच्चों 8, माइनस यहां पे कितना है ए पे क्या प्रेशर, क्योंकि ए सरफेस पे ही है, तो सरफेस पे जो प्रेशर है वो पी नॉट है, तो P नॉट कैंसल, तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो 8 रो जी आ जाएगा, 8 रो जी, दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप अगर इंक्लाइन हाइट में भी जाते हो तो वर्टिकल हाइट निकाल लो, वर्टिकल हाइट निकाल लोगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, तो वही प्रेशर वहां पे निकल आएगा, और फिर आपको पता है कि वर्टिकल अगर मैं एच हाइट जाऊंगा तो कितना प्रेशर इंक्रीज होना है, फिर आप वहां से आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये जो पूरा पॉइंट है ये अच्छे से क्लियर होगा, है ना, और चीजें आपको क्लियरिटी से समझ में आएंगी। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो है प्रेशर सेम होता है, लेकिन याद रखेंगे ये तभी होता है जब आपका लिक्विड जो है जिसमें आप प्रेशर निकाल रहे हो वो होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब उसमें डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट सेम होनी चाहिए, ऐसा ना हो डेंसिटी का वेरिएशन हो, तो फिर अगर डेंसिटी का वेरिएशन हो जाएगा तो फिर वैसा नहीं होगा, है ना, तो कॉन्स्टेंट डेंसिटी होनी चाहिए थ्रू आउट, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस पॉइंट को बच्चों, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, तो नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके कि भाई इन अ होमोजीनियस लिक्विड
जीनियस स्टेशनरी है ना, जब रेस्ट पे है तब की बात कर रहे हैं। इन अ होमोजीनियस स्टेशनरी लिक्विड लिक्विड प्रेशर प्रेशर इज सेम प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये शेप ऑफ द वेसल पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए कि आपका वेसल्स ऐसे हैं, आपका एक जो वेसल है वो इस तरीके के शेप का है, लेट सपोज, है ना बच्चों, फिर एक जो वेसल है लेट सपोज वो इस तरीके का शेप का है, ऐसा वेसल है ना। फिर मान लीजिए कि एक जो वेसल है वो आपका इस तरीके का शेप का है, इस तरीके के शेप का है, मान लो कुछ, या फिर आपका जो एक वेसल है वो इस तरीके का है। मान लीजिए कि इस तरीके के आपके वेसल्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के वेसल्स हैं ना, 1 2 3 4 टाइप के शेप मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, लेकिन इनमें लिक्विड फ्लो भरा हुआ है, ऐसे लिक्विड भरा हुआ है। तो आपने देखा है ना बच्चों, जब भी डिफरेंट टाइप का शेप का वेसल है और उन सभी वेसल्स को आप जोड़ दो तो भले ही उनका शेप अलग है, वॉल्यूम अलग है, आपने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा या आपको ये चीज पता होगी कि उनकी जो हाइट होती है वो सेम होती है सब में। इसमें भी एच हाइट होगी, इसमें भी जो पानी भरेगा वो एच हाइट तक ही भरेगा, इसमें भी जो पानी भरेगा वो एच हाइट तक भरेगा, इसमें भी जो पानी भरेगा वो एच हाइट तक भरेगा। आप सोचो, ऐसा आपने जरूर महसूस किया होगा अगर ये ओपन वेसल्स हैं। तो आप लिक्विड उसमें, अगर दो वेसल्स जैसे कनेक्टेड है, आप लिक्विड भरते जाओ तो ऐसा नहीं होगा कि इसका हाइट बढ़ जाएगा और ये भरेगा ही नहीं। अगर कनेक्टेड है तो ये भी उसी हाइट तक भरेगा जिस हाइट तक ये वेसल बढ़ेगा। और ऐसे कितने ही वेसल्स आप जोड़ दो, उन सभी में ऐसा ही होना है, यानी सेम हाइट तक होगा। वो कारण ये है क्योंकि सेम, अगर होमोजीनियस लिक्विड है तो प्रेशर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है। आप सोचो, इसके बॉटम में जो पॉइंट है वो पी है, इसके बॉटम में क्यू है, इसके बॉटम में आर है, इसके बॉटम में एस है, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो हम बोल सकते हैं पी एट पॉइंट प्रेशर एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट क्यू इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट आर इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट एस। तो इन सभी को सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है तो प्रेशर सेम होना पड़ेगा। अब अगर प्रेशर सेम होगा तो प्रेशर यहां पे होगा ना पी नॉट प्लस रो जी एच, क्योंकि सभी का प्रेशर होना है पी नॉट प्लस रो जी एच। तो हाइट कैसे डिफरेंट हो सकती है बच्चों? अगर हाइट डिफरेंट हो जाएगी तो प्रेशर तो अलग अलग हो जाएगा बॉटम में, तो फिर ये लॉ तो वैलिड नहीं रहेगा कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर है। इसलिए अगर उसको सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर रखना है तो सभी तरीके के वेसल्स में जो कनेक्टेड है उनमें सेम हाइट तक पानी का लेवल होना चाहिए, तभी नीचे बॉटम में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होगा। ये जो बच्चों आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है, या फिर ये जो फिनोमिना है, जो अलग अलग वेसल के शेप होने के बावजूद उसमें सेम लेवल तक पानी भरता है क्योंकि प्रेशर को सेम रखना होता है, तो हाइट भी सेम होगी सभी में, इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। याद रखेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, यानी सेम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो शेप के वेसल्स हैं उनमें क्योंकि सेम लेवल पर, हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर रहेगा तो वो सेम हाइट तक अचीव करेंगे वाटर का लेवल, भले ही वॉल्यूम अलग हो, कुछ भी अलग हो। तो ये जो फिनोमिना है इसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये फिनोमिना क्यों होता है, अब आपको ये बात क्लियर होगी। उसका जो बच्चों लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पे लिखा है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये बोलता है कि शेप ऑफ द वेसल्स जो है वो मायने नहीं रखते, उस पर पानी का लेवल जो है वो डिपेंड ही नहीं करता अगर कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि होमोजीनियस स्टेशनरी लिक्विड जो है उसमें प्रेशर सेम होता है एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द वेसल, है ना बच्चों। तो इसके आगे आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप
ऑफ वेसल। तो मेरे ख्याल से आपको बच्चों ये वाला पॉइंट है ये भी क्लियर हुआ है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, और कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा समझे आप कि ये हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना, रेफरेंस बुक में, एनसीईआरटी में। तो आप देख लीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ। आपसे बोलेगा कि भाई इस तरीके से एक वेसल लिया गया है ऐसे ऐसे, और बोला गया कि इसमें जो है पहले वाटर भरा हुआ था या कोई दूसरा लिक्विड भरा होगा। तो आपको पता है कि वाटर अगर भरा है, सेम लिक्विड है इस तरीके से ये, तो ये दोनों कॉलम में जो हाइट है वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पे जो पॉइंट है, क्योंकि सेम लिक्विड है तो इन दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए, तो ये दोनों हाइट सेम होगी। और वो आपको समझ में भी आता है भाई, इस तरीके का अगर कॉलम लोगे तो इसमें पानी भरना चालू करोगे तो इन दोनों जो कॉलम है, भले इसकी विड्थ अलग भी हो, है ना, लेकिन इन दोनों का जो लेबल होगा वो सेम होगा, है ना, ये बात हमें समझ में आता है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि ये वाटर है और वाटर की डेंसिटी आपको दी गई है। हालांकि नहीं भी दी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1000 kg/m³ होती है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ये जो वाटर भरा गया था, फिर एक साइड से दूसरे कॉलम से, यहाँ पे हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, तो यहां से दूसरे साइड से, इसको डॉट 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 से मैं दिखा रहा हूं, दूसरी साइड से यहां पे ऑयल को भरा गया, इस कॉलम में ऑयल फिल कर रहे हैं, ऑयल फिल कर रहे हैं दूसरी साइड से, यहां पे ये ऑयल भरा जा रहा है, और ऑयल की जो डेंसिटी है रो ओ, ये आपको दिया गया है 6000 kg/m³। अब आप खुद बताओ बेटा कि अगर आप एक साइड से ऑयल भरोगे तो ये जो लिक्विड का लेवल है ये ऊपर खिसकेगा और ये वाला लेवल वाटर का नीचे आएगा, क्योंकि ऑयल भी आ रहा है और ऑयल की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको दबाव देगा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, है ना। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि ये भाई नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर इसमें आप ध्यान देखो तो मेरे ख्याल से यहां तक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि क्या चल रहा है। तो देखो अब बच्चों, ये बोला गया कि इसमें ऑयल भरा जा रहा है, और उन्होंने ये कह दिया कि जब ये ऑयल फिल किया गया इस कॉलम में, तो अब आपको ये समझना है कि जब ऑयल फिल करेगा, ऑयल फिल किया जाएगा, तो अब इन दोनों कॉलम में लेवल सेम हो इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि डेंसिटीज अलग अलग हो गई भाई, समझे इस बात को, है ना, डेंसिटी जो है वो अलग अलग हो गई। हाँ, अगर नीचे सेम लिक्विड है तो ये हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे ये वाटर है जिसको हम येलो कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाटर कुछ ऊपर चला जाएगा भाई, इसका इनिशियल लेवल ये था जब केवल वाटर था, ये मान लेते हैं, तो ये कुछ ऊपर चला गया, तो वाटर का लेवल यहाँ पे ऐसे ऊपर आ गया जिसको हम येलो कलर से बना रहे हैं, और यहाँ पे कुछ वाटर का लेवल नीचे आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पे क्या फिल कर दिया गया बेटा, क्या फिल कर दिया गया, देखो यहाँ पे कुछ हाइट तक ऑयल भी फिल कर दिया गया होगा, ऐसे में रेड कलर से ले रहा हूँ, डिफरेंट कलर से ले रहा हूँ, ये ऐसे ऑयल फिल कर दिया गया होगा, तो वाटर का लेवल इनिशियल लेवल से कुछ नीचे आ गया होगा और इसका लेवल कुछ ऊपर चला गया होगा। अब ये कहा गया है कि जो ये ऑयल फिल किया गया इसकी हाइट नाप ली गई, तो जो ऑयल का कॉलम है वो 10 cm हाइट का, ऐसा बोला है आपसे, जो ऑयल भरा गया है दूसरे कॉलम में उसकी हाइट जो है वो 10 cm तक भरी गई है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि जो ये वाटर का लेवल है ये कितने ऊपर खिसक गया होगा, ये इनिशियल लेवल से अपने कितने ऊपर खिसका होगा, है ना, ये क्वेश्चन है, ये कितना डिस्प्लेस हो गया है, जो वाटर का लेवल है वो अपने इनिशियल लेवल से कितना डिस्प्लेस हो गया होगा ये आपको बताना है। तो मतलब ये एक्स फाइंड करना है, ये एक्स फाइंड करना है बच्चों, है ना। देखो बच्चों, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहली बात तो आप ऐसा सोचो कि अगर मैं बोलूं कि ये पहले जो इनिशियल लेवल था सेम, अभी आप इनिशियल लेवल पे ये वाला पॉइंट ए मानो, ये वाला पॉइंट जो है वो बी मानो, तो आप अब ये जब ऑयल इसमें डाल दिया गया है, ऑयल का लेवल भर दिया गया है, तो आप अब ये नहीं लिख सकते बच्चों पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी वी, सेम लेवल होने के बावजूद ये नहीं लिख सकते, ये गलत है। पहली बात क्यों, क्योंकि
क्योंकि एक पॉइंट आपका वाटर में है तो दूसरा पॉइंट आपका ऑयल में है। मैंने आपको क्या बोला कि दो सेम लेवल पे जो पॉइंट लेने हैं वो एक ही लिक्विड में होने चाहिए, दो अलग अलग लिक्विड में नहीं होने चाहिए। इसकी डेंसिटी अलग हो गई, इसकी डेंसिटी अलग हो गई, तो ये अगर आप लिखोगे तो ये गलत है भाई, ऐसे नहीं लिख सकते हो आप। पहली बात, अब एक चीज आप और समझे, अगर ये जो बच्चों पॉइंट है, ये जो इनिशियल लेवल है, ये जो वाटर का लेवल है, अगर ये एक्स हाइट ऊपर गया इनिशियल लेवल से, तो इधर जो वाटर लेवल था इनिशियल वाला वो एक्स हाइट नीचे आया होगा। समझे इस बात को, जो यहां पे एक्स हाइट है, आप खुद सोचो बेटा, अगर ये ऊपर की तरफ एक्स खिसका है, तो क्योंकि वाटर जो है या कोई भी लिक्विड है, अगर हम आइडियल फ्लूइड मान रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंप्रेस नहीं हो सकता, तो ये जितना ऊपर गया है ये उतना ही नीचे आया होगा। या ऐसा सोचो, ऑयल ने जितना इसको दबाया है हाइट में, उतना ही हाइट ये ऊपर भी खिसका होगा। सोच सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर ये एक्स ऊपर गया तो ये एक्स नीचे आया। अब आप सेम लेवल लें, अब आप सेम लेवल लें और वो सेम लिक्विड में लें, मतलब वाटर में लेंगे हम, है ना, जो येलो कलर का लिक्विड है। तो यहां पे अगर हम सेम लेवल लें तो इसको देखो, ये सेम लेवल है, तो यहां पे भी वाटर चालू हो जाता है और यहां भी वाटर चालू हो जाता है। तो अगर मैं यहां पे दो पॉइंट्स लूं, इस यहां ये पॉइंट पी और ये वाला पॉइंट क्यू, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, पी प्रेशर एट पॉइंट पी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट क्यू। अब मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने दोनों पॉइंट्स एक ही लिक्विड में लिए, दो अलग अलग लिक्विड में नहीं लिए। तो पहले जब पी इक्वल टू पी भी लिख रहे थे वो गलत था, क्योंकि वो टू डिफरेंट लिक्विड्स में पॉइंट्स थे। सेम लेवल पे सेम लिक्विड में पॉइंट लू, उसका प्रेशर सेम होता है। अब आप खुद सोचो, ये पी पॉइंट जो है ये वाटर के लेवल से कितनी हाइट नीचे, क्योंकि देखो बेटा ये एक्स नीचे खिसका था तो ये एक्स ऊपर बचा था, तो ये वाली दूरी भी एक्स है, ये वाली दूरी भी एक्स है, तो टोटल हाइट हो गई जो वाटर की पी पॉइंट से है लेवल से 2x, और जबकि ऑयल की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। तो अगर मुझे क्यू पॉइंट पर पी पॉइंट पर प्रेशर लिखना, तो मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, यहाँ भी एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। तो अब मैं दोनों को लिखना चालू करता हूँ, तो मैं पॉइंट पी का प्रेशर लिखूंगा टॉप पर पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्लस मैं 2x हाइट नीचे आया, किस में आया, वाटर में आया, तो उसका कितना प्रेशर बढ़ जाएगा पॉइंट पी में आते हुए, तो रो जी, तो रो किसका बेटा, वाटर का, इंटू जी इंटू एच, एच की वैल्यू यहाँ पे कितना है 2x। ये पॉइंट पी का प्रेशर है इज इक्वल्स टू पॉइंट क्यू का प्रेशर, तो पॉइंट क्यू का प्रेशर जो है बच्चों वो कितना लिखा जाएगा, पॉइंट क्यू का प्रेशर तो ऊपर टॉप पर पी नॉट प्रेशर है, प्लस अब आप कितनी हाइट आए हो, 10 सेंटीमीटर आए हो, लेकिन याद रखो ये 10 सेंटीमीटर किस में आए हो, ऑयल में आए हो, वाटर में नहीं आए हो, इसलिए डेंसिटी जो लोगे आप वो ऑयल की लोगे, ऑयल की डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट, हाइट जो है बच्चों वो आपने 10 सेंटीमीटर लिया है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो 0.1 लिखोगे, 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो कितना लिखोगे बच्चों, 0.1, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप सॉल्व करो तो देखो, पी नॉट और पी नॉट जो है बच्चों वो कैंसिल हो गया, डब्ल्यू तो इसका 1000 है, इंटू जी तो 10 है, इंटू 2x है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल तो वो 6000 है, जी 10 है, इंटू 0.1 है। तो यहां से देखो बेटा, 10 और ये 10 कैंसिल, 3 0 3 0 यहां से भी कैंसिल, तो ये 6 आया, तो ये 2x इज इक्वल्स टू 0.6 आया बेटा, तो एक्स की वैल्यू आई 0.3 मीटर, यानी 30 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा वाटर, यहां पे इनिशियल लेवल से ये 30 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। ये आंसर है, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को लिया जाता है। पहली बात, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये ध्यान देना है कि जो दो पॉइंट्स लेना है वो आपको सेम लेवल पे लेना है, सेम लिक्विड पे, अलग अलग लिक्विड पे नहीं लेना है, अलग अलग लिक्विड पे लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और इस टाइप से ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अब आप प्रैक्टिस कर लेना तो आपसे बन जाएगा।